रांची ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। एनएच 75 में आखिर पैदल चलने वाले चले तो कहां चलें, पैदल चलने वालों के लिए एनएच 75 में कोई स्थान नहीं बचने दिया जा रहा है। पैदल चलने वालों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनकी बेबसी और लाचारी है कि उन्हें बीच सड़क में ही चलना पड़ता है, जहां तेज गति से विभिन्न प्रकार के वाहन चलते हैं। परिणाम सड़क के बीचों बीच चलने वाले राही को तेज गति से आ रही गाड़ियां कुचल देती हैं। वाहनों के चपेट में आने से कई लोग अनायास ही सड़क हादसे के शिकार हो जाते हैं। सड़क दुर्घटना के शिकार निर्दोष लोग बहुत भारी संख्या में प्रतिदिन अस्पताल पहुंच जाते हैं। दुर्घटनाग्रस्त लोगों को आर्थिक क्षति के साथ शारीरिक कष्ट और विकलांगता झेलने पड़ते हैं। कभी कभी तो दुर्घटना होने के बाद सीधे काल के गाल में समा जाते हैं। आखिर इन सड़क हादसों के विभिन्न कारणों के साथ सबसे बड़ी समस्या सड़क पर अवैध कब्जा है। एनएच 75 में सड़क के दोनों ओर बनाए गए नाली के ऊपर ढक्कन राहगीरों के लिए सुरक्षित साबित हो सकता है, परंतु इस पर कब्जा का होड़ लगी हुई है। आप रांची से एनएच 75 में जब चलेंगे तो पाएंगे कि इस नाली के ढक्कन के ऊपर विभिन्न लोगों के द्वारा अस्थाई और अस्थाई रूप से कब्जा जमाने की होड़ लगी हुई है और इसे रोकने में प्रशासन विफल साबित हो रही है। परिणाम राहगीर भुगत रहे हैं। सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों को इसे अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए उचित कार्रवाई करनी चाहिए। रांची ऑब्जर्वर से लगातार जुड़े रहने के लिए रांची ऑब्जर्वर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। यह बिल्कुल मुफ्त है। रांची ऑब्जर्वर के संवाददाता से संपर्क कर आप अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत करावें। आपकी समस्या के समाधान की दिशा में यह एक अच्छी पहल साबित हो सकती है। हम आपके समस्या समाधान में सदैव आपके साथ हैं। आपकी आवाज को हम बुलंद करेंगे।